अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। इतनी मुश्किल थी लोगों को, घरों में पूरा पानी भर जाता था, ये हैंड तक पानी रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान भाई की मेहनत से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोड पड़ गई, पाइप लाइनिंग हो गई। रहमान भाई का सच्चे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे कोई पूछने वाले नहीं थे, एक रहमान भाई थे जो रातों में आ जाते थे, पानी भर गया तो आवाम के साथ रहते थे, हम लोग को लिख जाते थे, ऑफिस पे बात करते थे, हम वहाँ पूरे बस्ती पे अल्हम्दुलिल्लाह काम सक्सेस हुआ। रहमान भाई का शुक्रिया अदा करते सादत नगर की आवाम। ठीक है, शुक्रिया। आयशा मुझे सादत नगर से बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे जो आइलैंड एम एल ए की जानब से जो रोड की इनाग्रेशन हुई है, लॉकडाउन और इसके कोरोना की वजह से अल्लाह ताला उससे भला से पाक हो जाए। और ये 20 साल से पानी आ रहा था, ये कमर तक पानी आता था, आज 20 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जो है कंप्लीट काम हो गया बस्ती का। एमएलए करे तो एमएलए को बोले तो एमएलए साहब नहीं आए, काउंसलर साहब हो तो काउंसलर साहब नहीं आए, कोई नहीं है। और हमारे रहमान भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह वह फ़ोन करते आ जाते, आते देखते बस्ती में आके ठहर के बोल के फोन जब का जब कामा करा देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बस्ती सही हो गई और बस्ती आबाद हो जाए इंशाल्लाह ताला। हमको नाज है, एक काम सही होगा और अच्छा होगा, बल्कि हमारे एमपी साहब करोड़ों रुपये सेंशन में हमारे काम सही नहीं होते, आज जो है काम सही हुआ हमको, वाकई हमको जो आज नाज है हमको कि आज काम सही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती डेवलप होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम अब्दुलरहमान है, सोशल वर्कर याकूतपुरा। देखिए साहब, ये जो सादत नगर ऐशा मस्जिद का जो एरिया आप देख रहे हैं, अभी जो रोड हम लोग विजुअल लिए, ये रोड पहले 25 साल पहले ऐसी 25 साल से ऐसी हालत थी, यहाँ मुतालिका अहदेदारों को यहाँ की पब्लिक बोल बोल के थक गई थी। ये गंदे पानी की वजह से जब भी बारिश होती है 5 से 6 फीट पर यहाँ पर बारिश में कमर तक पानी रहता था। कई बार यहाँ मुतालिका अहदेदारों को बोले, कई जने यहाँ पर गए, यहाँ के वक्त का मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग को बोले, कुछ नहीं हो सका। जब मेरे को यहाँ से 6 महीने पहले लॉकडाउन से पहले इस बारे में मेरे को सादत नगर के ताल्लुक़ से बोले तो मैं आके यहाँ पर दौरा करा। उसके बाद यहाँ की सादत नगर की आवाम के साथ कई ऑफिस, जोनल कमिश्नर ऑफिस, GM के पास, वाटर वर्क्स और जितने भी डिपार्टमेंट थे, हम लोग कंटिन्यू 4 से 5 बार बस्ती वालों के साथ जाके कई बार लेटर्स देके हम लोग ये आज वाटर लाइन सैंक्शन हुई। वाटर लाइन के बाद सेवरेज लाइन 8.5 लाख रुपए का सेवरेज लाइन सैंक्शन हुआ। उसके बाद 9 लाख रुपये की लागत से GHMC की तरफ से रोड डाली गई। वो कई टाइम से ये काम पेंडिंग था, सादत नगर बोल के एक नहीं, मेरे अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जैसे छोटा चंद्रा नगर, हाफिज़ नगर, मदीना नगर, बी ब्लॉक देख सकते हैं आप पहले कैसा था गलियां, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी 40 से 50 लाख रुपए की लागत से GHMC की तरफ से रोड सैंक्शन हुई। ये जितना भी एरिया था एक लोकल यन बाज़ार डिवीज़न का, यहाँ का कई बार लोग जितनी परेशानी उठाए कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सादत नगर एरिया में जो आयशा मस्जिद के सराउंडिंग सिवरेज लाइन, नलकी लाइन के बाद रोड डाली गई, आज बस्ती वाले मिले। कितने टाइम में यहाँ का रोड का काम हुआ? कम से कम ये 5 से 6 महीने हुए। क्या खर्चा? ये वाटर लाइन के लिए 4 लाख रुपए जो वाटर वर्क्स MD साहब सैंक्शन दिए थे, और एक उसके बाद सेवरेज लाइन जो ड्रेनेज लाइन के लिए GHMC कमिश्नर साहब 9 लाख रुपए की लागत से वो हुआ। फिर 3 महीने सेवरेज लाइन और 3 रोड के टाइम को 3 महीने लग गए। तो कई बार फिर हम बस्ती वाले, हमारे हबीब भाई, हमारे इब्राहिम, जावेद, जितने भी लोग हैं पूरे लेडीज़ के साथ 60-70 लोग जाके ऑफिस में बैठ के ऑफिसर को प्रेशर करके फिर ये रोड सैंक्शन लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज रोड भी पड़ गई। गवर्नमेंट से कुछ भी हेल्प नहीं मिली आपको? गवर्नमेंट की जो जनरल बजट में तो सैंक्शन हुए हैं, साथ में GHMC के डिपार्टमेंट की तरफ से ही सैंक्शन हुआ। जितने भी मैं लेटर देता हूँ जोनल कमिश्नर ईज, और वो एक बात है कि जो ऑफिसर्स जो रैन बाज़ार डिवीज़न में जैसे इलेक्ट्रिकल ऑफिस रहने दियो या वाटर वर्क्स वाले रहने दो या GHMC वाले, यहाँ के मुतालिका अहदेदार कई ऐसे, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, ऑफिसर को धमकी दे रहे कि अब्दुलरहमान सोशल वर्कर अगर कुछ काम बोले तो नहीं करना। अरे खुद से तो नहीं होता, दूसरों को करने दे देंगे, ये क्या बात है? अरे तुम करना काम छोड़ के हम कर रहे हैं, फिर बोलता रहमान, जहाँ भी रहमान काम करा रहे हैं आ रहे हैं फोटो ले रहे हैं चल जा रहे हैं। क्या फ़ोटो ले लिए तो क्या काम हो जाता? फ़ोटो लियो, वीडियो लियो, अल्लाह बेहतर जानता, पब्लिक बेहतर जानती, जो सैंक्शन के लिए चली काम कौन करा रहे हैं। लिहाजा जो ताकता लगा के रोकना चाह रहे हैं मेरे काम को, रोक नहीं सकता। पब्लिक सर्वेंट था, पब्लिक सर्वेंट GHMC आपका फर्स्ट वर्क है, और भी इससे पहले ऐसे कई 100 से ज़्यादा रोड डला चुका हूँ मैं याकूतपुरे में। जैसे याकूतपुरा स्टेशन के पास लेट के ऑफिस से धोबी घाट रोड 25 लाख जनरल बजट में सैंक्शन हुए। मदीना नगर बी ब्लॉक में ऐसे 5-5 लाख के 4 रोड सैंक्शन हुए। चंद्रा नगर, छोटा चंद्रा नगर में भी 20 लाख की लागत से काम हुआ। ऐसे 2 साल में कई 100 से ज़्यादा रोड अल्हम्दुलिल्लाह GHMC की तरफ से डाली गई। अब ये एरिया में ऐसे कितने गलियां आप डाला है?
ऐसे एरिया में ये जो भी मैं अभी बोला ये 13 लाख रुपए का एक बजट, 8 लाख का एक नल है, ये आज से एक साल पहले यहाँ पर एक 10 लाख रुपए की एक रोड डाली गई थी, फिर एक 12 लाख का पाइपलाइनिंग भी डाला गया अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-3 गलियाँ बचे हुए हैं। कई बार से ये रोड पड़े, जब से बाजू वाले भी मैं कॉल कर रहे हैं, हम भी चलते ऑफिस को, हमारे को कोई मदद नहीं कर रहे हैं, ये रोडों के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह बाजू जो पेंडिंग वर्क है सादत नगर में आयशा मस्जिद के बैक साइड है और सामने गली है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। शुक्रिया। आशा मस्जिद सादत नगर से बोलो, क्या बहुत परेशानी थी, प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत परेशानी थी हम लोगों को, बहुत 2-4 साल से तो पानी पूरा घरों में रह रहा था, रमजान के महीने में भी हम लोग को तकलीफ, आधा आधा घर में पानी भरा रहता था, कमर पे था पानी, गलीस पानी पूरा उंगलियों का नादन का पानी भी हमारे घर में घुसता था। कोई MLA कोई कॉर्पोरेटर को नहीं बोलिया, आते थे देखते थे हम लोग, चले जाते थे, खाने के एक पैकेट भी जाते थे हम लोग, जरूरत नहीं हमारे खाने की पैकेट की, हमारा काम करा बस। पाशा खादरी भी आए थे और उन्होंने भी आए थे, मुमताज़ खान भी आए थे, सब जने आते थे चले जाते थे, हम लोग तो सोच के रखते थे उनको वोट ही नहीं देना बोल के, मगर बच्चा रहमान अब आके जब से रहमान में आए 2-3 साल से देखते गए उन्होंने बारिश के ऊपर पानी पूरा घुटनों के उतना पानी रहता था, कमर के उतना पानी, हमारे कितनी तकलीफ है पूछे ना, रमजान में हर वक्त बारिश के दिनों में तो बहुत परेशान है, हमारे घरों में पानी रहता था सो नहीं सकते थे हम। अब कैसा है? अब परसों पानी है मगर बहुत इतना खतरा, पानी भी नहीं रुका, रोड का काम करा है, पाइपलाइन डला है, मोटियों की नल का पंप भी काम कर रहे हैं, तो गर्मियों में धूप में हर वक्त पानी की परेशानी होती थी, नल का भी काम करा है, रोड का भी काम करा है, पाइपलाइन दूसरी डला। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान का, हम हर वक्त नमाज पढ़े तो उनके वास्ते दुआ करते हैं। मेरा नाम जैबुलनिसा है, आज 20 साल से मुसीबत उठा रहे हूँ आशा मस्जिद के पास, पानी घरों में घुस के दुल्हनों के सामान और सब पारित हो गए, सब 3 तरह नौ 18 होगा, पाशा कादरी आए कुछ नहीं करे, मुमताज़ खान आए कुछ नहीं करे, अल्लाह रहमान को अच्छा रखो, रहमान मियाँ आके डोडा ओडा सब सही करे, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उनकी हयात दो, उनको हर बीमारी से बचाओ, अल्लाह सहर दो उनको, उनकी मेहरबानी, बहुत अच्छा काम करा बच्चा। कितने साल से परेशान? 20-25 साल से परेशान थे, सारी दुनिया को मालूम, सारी बस्ती को मालूम है, समझ सारी दुनिया सारी बस्ती को याफ करके मालूम है, आशा मस्जिद आधे गड़े में है सो, क्या क्या काम क्या क्या काम करा, आते थे देखते थे चले जाते थे, आते थे देखते पानी थे। हर चीज़ की परेशानी थी, मोरियों की परेशानी थी, पानी की परेशानी थी, पैपों की परेशानी थी, वो बात की परेशानी थी, कोई एक बात की भी सहूलत नहीं थी, अब जब रहमान मियाँ आए हर चीज़ की ज़रा सहूलत महसूस हो रही हमारे को, और सहूलत है भी, समझ रहे। सादत नगर आयशा मस्जिद से बोल रहा हूँ, हमारे को बहुत तकलीफ थी, यहाँ पानी की भी तकलीफ थी, पूरा मोरियों का गंदा पानी घरों में आ जाता था, नल का पानी भी सही नहीं आता था हम लोगों को, नल का पानी फिर भी रहमान को अल्लाह अच्छा रखो, यहाँ हमारे को बहुत बहुत हमारे बहुत सावधानी दी है उन्होंने, बहुत अच्छा करे हमारे को आज से, परसों बारिश का पानी आया तभी रुकाने हम लोगों को बहुत सहूलत होगा हम लोग। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज, दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, academic excellence with reasonable fee structure, excellent highly qualified faculty, well furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal Success Junior College. Nowadays all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.